फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सारिकास कुकिंग डायरी। दोस्तों, इससे पहले हमने सूजी का हलवा बनाया था जिसे आप सबने बेहद पसंद किया। आज हम अनानास का हलवा बनाने वाले हैं, जिसे आप अनानास का शीरा भी कह सकते हैं। इसे बनाने की बेहतर पहले वाले हलवे से बिल्कुल अलग है, वैसे स्वाद भी बेहद ही डिफरेंट है। आपको ये हलवा भी बेहद पसंद आएगा, तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। हम अनानास का शीरा बना रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 1 कप अनानास के बड़े साइज के पीसेस करके लिए हैं। सबसे पहले हम इन अनानास के पीसेस को क्रश करके प्योरी बनाएंगे। तो मिक्सर जार ले लेते हैं और जार में अनानास के पीसेस डाल लेते हैं और क्रश कर लेते हैं। पर प्योरी में पाइनएप्पल के छोटे छोटे चंक्स छूट जाए, ऐसी प्योरी बनाए। ये देखिए प्योरी रेडी है और प्योरी में पाइनएप्पल के चंक्स भी है। बस हमें प्योरी को ऐसे ही रखना है। पाइनएप्पल की प्योरी रेडी है, तो फिलहाल इसे ऐसे ही रहने देते हैं और आगे की प्रोसेस के लिए गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ गैस की स्लो फ्लेम पर मैंने ये कढ़ाई रखी है। इस कढ़ाई में हमें घी लेना है। हम हलवा बनाने के लिए 1 कप सूजी लेने वाले हैं, तो सूजी से आधी क्वांटिटी में हमें घी लेना होगा। तो ये 1/2 कप घी है। इसमें से भी 1/2 घी हम फिलहाल इस कढ़ाई में डाल लेते हैं और 1/2 बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम 1 कप मोटी सूजी घी में डालेंगे और सूजी को हल्का गुलाबी रंग का होने तक कंटिन्यू चलाते हुए स्लो फ्लेम पर भुनेंगे। वैसे तो बारीक सूजी से भी हलवा बनाया जा सकता है, पर मोटी सूजी से हलवा ज्यादा खिला खिला बनता है, इसलिए हो सके तो मोटी सूजी का ही इस्तेमाल करें। तो जब तक सूजी रोस्ट हो रही है, तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और हाँ, बेल आइकन पर भूले बिना जरूर प्रेस करें। वैसे ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे सारिकास कुकिंग डायरी पर फॉलो भी कर सकते हैं। आप देख सकते कि सूजी का रंग अब धीरे धीरे बदलने लगा है। सूजी हल्की गुलाबी रंग की हो चुकी है, तो सूजी को हम प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर से कढ़ाई को गैस पर रख देते हैं। अब इस कड़े में हमने जो 1/2 घी बचा कर रखा हुआ था, उसे डाल लेते हैं। अब घी में हमने जो पाइनएप्पल की प्यूरी बनाकर रखी है, वो 1 कप प्यूरी डाल लेते हैं। अब प्यूरी को हम स्लो फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि प्यूरी से घी छूटा हुआ नजर आने लगे। मैंने यहाँ पर प्यूरी में ही पाइनएप्पल के चंक्स छोड़े हैं। आप अगर चाहे तो प्यूरी के साथ अलग से पाइनएप्पल के छोटे छोटे टुकड़े करके भी इस स्टेज पर एड कर सकते हैं। प्यूरी से घी छूट चुका है, तो अब इसमें हम 1 कप शक्कर डाल लेते हैं। यानी हमने जितनी सूजी और पाइनएप्पल की प्यूरी ली थी, उतनी ही शक्कर लेनी है। अब शक्कर को हम पिघलने देते हैं, बीच बीच में चलाते रहें। शक्कर ऑलमोस्ट पिघल चुकी है, तो अब कढ़ाई में हम 2 कप पानी डाल लेते हैं। पानी में अच्छे से उबाल आने के बाद हम आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। पानी में उबाल आ चुका है, तो हमने जो सूजी रोस्ट करके रखी है वो डाल लेते हैं और चला लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे कटे हुए काजू और बादाम और फिर से मिक्स करेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अनुसार कम ज्यादा डाल सकते हैं। अब सिर्फ 1 मिनट के लिए हम हलवे को ढककर पकाएंगे। ढककर पकाने से सूजी को जल्दी से फूलने में मदद मिलती है और हलवा खिला खिला बनता है। ये सारी प्रोसेस हमें स्लो फ्लेम पर ही करनी है। 1 मिनट हो चुके हैं, तो ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हलवा गाढ़ा हो गया है और फूला फूला नजर आ रहा है। अब हलवे के ऊपर घी के छूटने तक हम हलवे को चलाते हुए पकाएंगे। आप समझ ही गए होंगे, फिर भी एक बार फिर से हलवे के लिए लगने वाले इन्ग्रीडियंट्स की सही मात्रा बता देती हूँ। तो 1 कप सूजी के लिए 1/2 कप घी, 1 कप पाइनएप्पल की प्यूरी, 1 कप शक्कर और 2 कप पानी लगेगा। हमारा हलवा बेहद ही खिला खिला बना है और इससे खुशबू भी इतनी बढ़िया आ रही है कि मैं आपसे क्या कहूँ। बस इतना ही कहूंगी, आप भी इस हलवे को जरूर ट्राई करें। अब गैस को बंद कर देते हैं और हलवे को सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप भी पाइनएप्पल शीरा जरूर ट्राई करें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो मुझे वीडियो के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।
फिर मिलेंगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड डे।